सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस। आज के इस वीडियो में हम Realme Narzo 50A इस मोबाइल में फर्स्ट टाइम सिम कार्ड कैसे इंसर्ट करते हैं और इस मोबाइल में फर्स्ट टाइम सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद में आपको क्या क्या सेटिंग करनी होती है ये देखेंगे। दोस्तों, आप इस मेथड का इस्तेमाल करके Realme Narzo 50A, Realme Narzo 50i और Realme के दूसरे मोबाइल्स में आसानी से फर्स्ट टाइम सिम कार्ड इंसर्ट करके बूटअप कर सकते हैं। तो अभी हम इस मोबाइल की सिम ट्रे को ओपन करते हैं और इसमें सिम कार्ड इंस्टॉल करते हैं। देखिए दोस्तों, इस मोबाइल में आपको दो सिम कार्ड और एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है। तो अभी मेरे पास में सिंगल सिम है, तो मैं इसे सिम ट्रे 1 में इंस्टॉल करूंगा। सिम ट्रे को लगाने के बाद में देखिए, अभी हमें राइट साइड में पावर बटन दिखाई दे रहा है। अभी हम इसे स्विच ऑन कर देते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल बूटअप हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देना है। अभी देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे वाईफाई सेलेक्ट करने के लिए दिखा रहा है। अगर आपके पास में वाईफाई है तो आप आपके वाईफाई को सिलेक्ट करके पासवर्ड एंटर कर दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको आपके ओल्ड अकाउंट में से डेटा कॉपी करना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन प्रेस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे डोंट कॉपी प्रेस करके आगे बढ़ जाइए। देखिए दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे जीमेल आईडी एंटर करने के लिए दिखा रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पे जब भी ईमेल आईडी एंटर करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपका मोबाइल कहीं गुम जाता है या लॉस हो जाता है, या अगर आपको आपके मोबाइल का पैटर्न लॉक रीसेट करना है, तो आपको आपकी ये सेम जीमेल आईडी और इसका पासवर्ड एंटर करना होता है। तो आप यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी एंटर करेंगे वो आप हमेशा याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं अभी यहाँ पे मेरी जीमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमें हमारी जीमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बटन प्रेस कर देना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको आपका वॉइस कमांड यहाँ पे सेटअप करना है तो आप यहाँ पे इसे नेक्स्ट बटन प्रेस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे इसे स्किप बटन प्रेस करके बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। अभी देखिए, आपको यहाँ पे गूगल पेमेंट मेथड यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दिखा रहा है, तो आप चाहे तो इसे भी स्किप बटन प्रेस करके बाद में सेटअप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे फेस लॉक, फिंगर लॉक और पासवर्ड सेटअप करने के लिए दिखा रहा है, तो अभी हम यहाँ पे हमारे मोबाइल का पासवर्ड सेटअप कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट के बाद में अभी हमारा ये मोबाइल कंप्लीट सेटअप हो चुका है और अभी ये इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। दोस्तों, अगर आप इस मोबाइल को परचेस करना चाहते हो तो आपको इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।